उसे घर ले गए। सोचा दूध पी लेगी तो शांत हो जाएगी। बस तूने सोच लिया अक्षरा, लेकिन तुझे इतना नहीं पता था कि ये नींद के लिए रो रही है या फिर दूध के लिए। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। माँ तो हाथ पांव ही कांप गए थे इसका रोना सुन के। हाँ क्या आई हूँ मैं? अच्छी तू क्यों लेके आई इसे यहाँ पे? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका रोना सुनकर मेरी कैसी हालत होगी? इतने छोटे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ की जरूरत होती है। थोड़ी देर खेलने की बात अलग होती है, लेकिन उसकी नजरों के सामने सिर्फ उसे उसकी माँ ही चाहिए होती है। रो रो के कैसे हिचकियां ले रही है, घबरा गई है। इसे मेरी आदत है, बेचारी मुझे ना पाकर परेशान हो गई है। बच 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 मेरा बच्चा। सॉरी वर्षा, वो मैंने तुझे परेशान कर दिया, लेकिन ये धूप में बहुत रहने दे अक्षरा। वर्षा, अक्षरा अनन्या को घर ही तो लेकर आई है ना? चल अब जल्दी से इसे दूध पिला दे। सब आ गए, दोनों संभालो अपने आप। अक्षरा, मैम अनन्या ठीक है? क्या हुआ, बहुत रो रही थी क्या? बहू क्या बात है बेटा, सब ठीक है? कुछ नहीं मां जी, वो अनन्या को लेकर दोनों परेशान। गायत्री बहन आ गया कुछ जी? कुछ देर बैठिए, इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं बस घर में बहुत सारा काम भी है और अब देर भी काफी हो गई है, आ गया दीजिए। राधे ध्यान रखा। राधे कृष्ण। अक्षरा भाभी आप चुप चुप क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, वो अनन्या चली गई ना इसलिए। मैं अभी आई। मैं ठीक हूँ। छोड़ी अक्षरा, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा। नैतिक, मैं तो सिर्फ अनन्या को चुप कराने के लिए लाई थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकी। फिर वर्षा ने मुझसे ये सब क्यों कहा? मैं उसे जानबूझकर तो नहीं लाई ना। अक्षरा देखिए, अनन्या के रोने से वर्षा भाभी परेशान हो गई थी। उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा वो उनका बिल्कुल मतलब नहीं था। वो जानती हैं कि आप अनन्या से कितना प्यार करती हैं। आप देखिएगा,
जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब उन्हें एहसास होगा कि आपने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब आप प्लीज रोइए मत, शांत हो जाइए, आइए आइए इधर आइए, चलिए आइए बैठिए, शांत हो जाइए। बस शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। मुझे नहीं पता था अनन्या इतना रोएगी, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं लेकर आती नैतिक। वो तो हमेशा मेरे साथ कितने अच्छे से खेलती है, मुझे लगा दूध पी के शांत हो जाएगी। मैं खुद उसे कभी भी तकलीफ नहीं देखना चाहती हूँ। शराब ना आपकी गलती ना वर्षा भाभी की, बस अनन्या के रोने से आप दोनों ही टेंशन में आ गए थे और अनन्या आपके पास थी तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया। आप एक बार उनकी तरफ से तो सोचे वो कितना टेंशन में आ गई होंगी, छोटी सी बच्ची उनसे दूर हो गई थी, कितना घबरा गई थी, कैसे भाग कर आई थी हमारे पास। हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे अनन्या को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे समझना चाहिए कि बच्चे को उसकी माँ की जरूरत होती है। बस कीजिए, अब आप भी सब कुछ भुला दीजिए, जो कुछ उन्होंने कहा नहीं कहा। अच्छा जब कोई गुस्से में होता है तो कभी कभी ये बातें निकल जाती हैं। और देखिए वर्षा भाभी तो आपकी बचपन की दोस्त है ना, उन्हें तो आपकी कितनी फिक्र रहती है। आप जब अनन्या के साथ खेलती है ना तो वो कितना खुश होती है। बस अब उनकी बात को दिल से मत लगाइए। नहीं नैतिक, मैंने उसकी किसी बात का बुरा नहीं माना है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं कहीं माँ उससे नाराज ना हो जाए। आजा आजा बेटा। लाई माँ मैं रख देती हूँ। से नाराज है माँ, पूरे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं की है। तू इतनी कठोर दिल कैसे होगी वर्षा? तुमने तो खुद देखा है ना अक्षरा कैसे अपने दुख को बुलाने की कोशिश कर रही है। अगर वो अनन्या को घर ले भी गई तो उसका ख्याल रखने के लिए ही लेकर गई ना। जब वो रोई होगी तो क्या अक्षरा को घबराहट नहीं हुई होगी? माँ, माँ मैं खुद चाहती थी कि अक्षरा अनन्या के साथ खेले, खुश रहे, लेकिन आज उसका दिल टूट गया। तू खुद सोच कर देख, आज तूने जो कुछ भी अक्षरा को कहा वो सुन के उसे कैसा लगा होगा। वर्षा और कुछ नहीं सुनना मुझे, तू आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देख तूने जो कुछ भी कहा वो सही था या गलत। तुझे खुद जवाब मिल जाएगा। बड़ी बहू, दोस्तों में अनबन हो जाती है, इसे इतना बढ़ावा मत दो। दोनों समझदार हैं, आपस में मिलकर संभाल लेंगी। वैसे हुआ क्या था? मैं
वर्षा दादी, मैं वो दक्षिणा का मन दुखाना नहीं चाहती थी। शौरभ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अनजाने में अक्षरा से अचानक क्या क्या कह दिया। अनन्या रो रही थी इसलिए मुझे कुछ होश ही नहीं था। सबकी नजरों में तो क्या, अपनी नजरों में भी छोटी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल अक्षरा इन दिनों बहुत सेंसिटिव हो गई। शौरभ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अपनी बच्ची को रोते हुए सुन तड़प गई थी, मेरी जान निकल गई थी शौरभ, और इसलिए मैं बोल पड़ी। मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ शौरभ, प्लीज बताओ ना क्या करूँ। वर्षा, मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले दिनों अक्षरा को खुश देखने के लिए तुमने कितनी कोशिशें की। तुम परेशान मत हो। शौरभ, मैं अभी अक्षरा से मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी। वर्षा, लेकिन अभी इस वक्त। हाँ शौरभ, मैं अभी उससे बात करना चाहती हूँ। वर्षा वर्षा, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इस बार तुमके घर पे जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, सुबह चले जाओ, आराम से बात कर ले। भाभी, कल वर्षा भाभी अनन्या को लेकर कुछ ज्यादा टेंशन में थी क्या? नहीं तो फिर आप दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे थे? सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि अनन्या की तबीयत तो ठीक है ना, कल धूप बहुत ज्यादा थी। बेटा अक्षरा, तुम भी हमारे साथ बाजार चलो। नहीं, आप लोग हो आइए, बहुत काम है मुझे। चलिए ना भाभी, बहुत मजा आएगा। मुझे अपने बच्चे के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है, आपको तो पता ही होगी अच्छी अच्छी दुकानें कहाँ पर हैं। बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ भाभी, आप पहले की तरह खुश नहीं नजर आती, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है बिंदिया। तो फिर चलिए ना, साथ में हंसते खेलते हुए शॉपिंग करेंगे। हाँ बहू। जाओ ना बेटा, हो आओ, मन बहल जाएगा। हाँ नहीं माँ, वो नैतिक ने कहा है कि उनकी पसंद की सब्जी बनाओ, वो भी बनानी है। वो हम बना देंगे बेटा, तू हो आ। नहीं, आप लोग हो आइए, मैं फिर कभी चलूंगी। माँ, मैं अभी आती हूँ। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ मुझसे नाराज मत होइए प्लीज।
अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा है कि उस वक्त मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मैंने सबका दिल दुखाया है। अक्षा को अपनी दोस्त मानती हूँ ना, इसलिए उससे सख्ती से कह गई। तू सहेली है ना अक्षरा की, तो तुझे पता होना चाहिए कि जब वो सहारा ढूंढ रही है तो उससे ऐसा कुछ ना कहे। माँ, अक्षरा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, बहन से पढ़कर मानती हूँ मैं उसको, लेकिन एक पल में मैं कमजोर पड़ गई। अनन्या को रोते हुए देख सब भूल गई, एक माँ की फिक्र ने घेर लिया मुझे और मुझे कुछ सूझा ही नहीं। हाँ बड़ी बहू, इस बात को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पता है। अगर वर्षा ने अपनी बच्ची को ममता के आंचल में समेट लिया तो तुम भी तो वही कर रही हो। बड़ी बहू, उसे पछतावा हो रहा है, दुख भी है, उसके मन को समझो बड़ी बहू। माँ मैं जानती हूँ कि वर्षा ने अक्षरा की खुशी के लिए खुद आगे बढ़कर अपनी लाडली को उसकी गोद में रख दिया, लेकिन जब मैं अक्षरा के मन की वेदना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में टीस उठने लगती है। माँ, माँ मैं सब संभाल लूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बार बात कर ले उससे। नहीं माँ, अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या? आज मंदिर जाने में बहुत देर हो गई भाभी माँ। हाँ। लीजिए। राधे कृष्ण आंटी जी, राधे कृष्ण भाई माँ। राधे कृष्ण वर्षा, खुश रहो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मंदिर जा रहे हैं। सब कुशल जी? वो अक्षरा भी जा रही है क्या आपके साथ? नहीं बेटा, बहू तो घर में ही है, रसोई में होगी। अच्छा वो तुम आ गई, तुमसे और अनन्या से मिलके बहू खुश हो जाएगी। कल जब से तुम गई हो बहू फिर से उदास हो गई, उसे अनन्या से बहुत लगाव है बेटा। हाँ अनन्या ठीक है ना, कल बहू भी परेशान लग रही थी और तुम भी। अरे भाभी आप आ गए, अक्षरा बता रही थी कल जल्दी जल्दी में आप अनन्या का बैग भूल गई थी। ओह अच्छा, बेटा जल्दी मत जाना, थोड़ा रुक के जाना। हाँ हम मंदिर होकर आते हैं। प्लीज भाभी ऐसा मत कही, अक्षरा भी कल से काफी परेशान है और मैं जानता हूं कि आप भी उसके बारे में ही सोच रही होंगी। आप दोनों मिल लीजिए, आई एम श्योर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मैं रसोई में जाके मिल लेती हूँ। भाभी आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाइए, मैं अक्षरा को वहीं भेज देता हूँ। नैतिक जी थैंक यू। Come on, Bobby. अक्षरा आपने दवाई नहीं ली ना? हाँ बस ये सब्जी बना लूं फिर ले लूंगी। नहीं बिल्कुल गलत बात है, पहले जाके दवाई खा लीजिए, ये सब काम बाद में होता रहेगा। चलिए चलिए जाइए। देख माँ भी मंदिर गई है, मुझे सारा काम खत्म करना है। लाबो महाराज जी सब देख लेंगे, पहले आप दवाई खा लीजिए फिर हम लोग आराम से बैठकर चाय पी लेंगे। आप चाय पियेंगे? मैं अभी बनाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप पहले जाके दवाई खा लीजिए। जाइए जाइए। अनन्या
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।